अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, अनबॉक्सिंग माय मोबाइल। तो न्यू मोबाइल मैंने बाई किया है, जैसा कि आपको पता है कि मेरा मोबाइल गुम हो चुका था, तो मैंने न्यू मोबाइल बाई किया है। तो मैंने कहा उसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर की जाए। तो मैंने ख़रीदा है ओप्पो F17 Pro। जैसा कि बॉक्स से आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ही प्यारा मोबाइल है और कलर भी बहुत प्यारा है, मैजिक ब्लू कलर है इसका। और ये तो ओपन करके ही पता चलेगा फर्स्ट लुक इसका कैसा है और रियल में कलर कैसा लगता है। तो आपके साथ मैंने अनबॉक्सिंग शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी इसकी स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। ओप्पो F17 Pro है, 8 GB इसकी रैम है, 128 GB इसकी मेमोरी है, बिल्ट इन मेमोरी, और बाकी आप SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं इससे ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो। तो लेटेस्ट मॉडल है तो रैम भी अच्छी है और प्रोसेसर सब कुछ अच्छा है, गोरिल्ला ग्लास है इसके ऊपर, और स्क्रीन रेजोल्यूशन भी अच्छा है। और ओप्पो के मोबाइल कैमरास के लिहाज से तो बेस्ट होते हैं, तो मुझे भी यूट्यूब चैनल के लिए चाहिए था। देखिए बॉक्स कितना ज़बरदस्त लग रहा है, तो ओपन करते ही देखते हैं हमारे सामने क्या आता है। तो सबसे पहले देखें, अभी आई है हमारी डिवाइस ओप्पो F17 Pro। और बाकी इसकी स्पेसिफिकेशंस ऊपर लिखी हैं, डिस्प्ले कैसा है, स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसी है। तो देखें बहुत ज़बरदस्त मोबाइल लग रहा है, बहुत ही लाइट है, बहुत ज़्यादा हैवी डिवाइस नहीं है, तो जो लाइट वेट लवर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट है। तो ओपन करते हैं इसको, कलर भी बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत प्यारा कलर है, मैजिक ब्लू कलर है इसका, और कलर वाइट और ब्लैक में भी थे लेकिन मार्केट में ये कलर ज़्यादा अवेलेबल था, वाइट कलर मुझे मिला नहीं। अभी हम स्टार्ट करते हैं ओप्पो, तो देखें ओप्पो का लोगो सबसे पहले शो हो रहा है और बहुत ही अच्छा मोबाइल है। अभी मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है लेकिन फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैं सैमसंग यूज़ कर रही थी। तो सैमसंग से मैं ओप्पो पे आई हूँ, तो इसका कैमरे का रिज़ल्ट मैंने सुना है बहुत अच्छा है, तो वाकई में इसके कैमरे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और मुझे तो यूट्यूब चैनल के लिए चाहिए था तो इसलिए मैंने ओप्पो को प्रेफर किया है। और कलर भी इसका बहुत अमेजिंग है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर। तो सारी सेटिंग वगैरह करेंगे, एक अकाउंट्स ओपन करेंगे तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कैमरा रिज़ल्ट कैसा है इसका। बाकी बॉक्स में देखते हैं अभी हम और क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें मिला है मोबाइल, फिर हम देख इसे में है वारंटी कार्ड और बाकी जो इसकी बुकलेट वगैरह होती हैं, साथ हमें इतना प्यारा सा एक कवर मिला है ओप्पो की तरफ से, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मोबाइल का कवर साथ ही मिल गया है। हर एक मोबाइल की अनबॉक्सिंग में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो इसमें हमें कवर मिला है और साथ में मिला है एक चार्जर, बहुत फास्ट चार्जिंग करता है। बैटरी टाइमिंग तो इसकी कमाल है, बहुत जल्दी फास्ट चार्जिंग होती है और साथ ही बैटरी काफ़ी टाइम निकालती है। साथ में मिले हैं हैंड्स फ्री, जो कि अक्सर मोबाइल्स के बॉक्सेस में हैंड फ्री नहीं होते, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ओप्पो की तरफ से, ओरिजिनल हैंड्स फ्री साथ देते हैं। साथ है ये केबल, चार्जर केबल है, तो ओरिजिनल चार्जर हमेशा संभाल के रखना चाहिए, वही मोबाइल के लिए बेस्ट रहता है, तो एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर वो वाली बात नहीं रहती जो नया चार्जर लेते हैं, तो ओरिजिनल चार्जर बेस्ट है। तो इसकी बहुत फास्ट चार्जिंग होती है, तो हमें ये तीन चीज़ें मिली हैं, केबल है, चार्जर है और हैंड्स फ्री है, और एक चीज़ हमें मोबाइल कवर मिला है। तो अच्छा है, मतलब काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं, हैंड फ्री तो मतलब अक्सर नहीं होती बॉक्स में, तो वो अच्छी चीज़ है एक। तो अभी देखें कितना प्यारा कलर है, मुझे तो मैजिक ब्लू बहुत अच्छा कलर लगा है। आप भी ज़रूर शेयर करें कि आपको ये कैसा लगा कलर, कैसा लगा मोबाइल ओप्पो F17 Pro। अगर कोई यूज़ कर रहा है मोबाइल तो वो भी रिव्यू दे सकते हैं कि
कैसा मोबाइल है ये जो कि ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहे हैं। मेरा मेन फोकस मेमोरी पे था, कैमरा पे था और इसकी रैम पे था, तो मुझे तो तीनों चीज़ें अच्छी मिल गई हैं। बैक कैमरा भी इसका, बैक पे 4 कैमरास लगे हुए हैं और 48 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 है, तो फ्रंट पे कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल प्लस है, तो इस लिहाज से एक अच्छा सेट है। और डिवाइस बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मतलब लाइट वेट है ये डिवाइस। इसके अलावा आपको कैमरे में काफ़ी फीचर्स भी मिलते हैं। अभी हमारा मोबाइल ओपन हो चुका है तो अकाउंट्स वगैरह सेटिंग वगैरह कर दी है, तो अभी चेक करेंगे कैमरा का रिज़ल्ट भी कैसा है। 2 दिन के इस्तेमाल में मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, तो आप लोग अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ी सी प्राइस 50,000 प्लस का है, तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन फीचर्स भी उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हैं। सैमसंग के बराबर के ही है ये फ़ोन। सैमसंग के इस रेंज में जो मोबाइल हैं उनसे ये बेस्ट है, मतलब जो सैमसंग के 50K की रेंज में हैं उनसे बेस्ट है ओप्पो। तो कैमरा भी इसका बहुत अच्छा है, काफ़ी फीचर्स कैमरे में मिलते हैं। टाइम लैप्स आपको मिलता है, पैनोरामा मिलता है, स्लो मोशन मिलता है। इसके अलावा कैमरे में फ़ोटोज़ के लिए आपको डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं आप, और काफ़ी ज़्यादा सेटिंग अच्छी कर लें तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं। पर्सनली मुझे ये मोबाइल बहुत पसंद आया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसकी मैंने कैमरा का रिज़ल्ट भी आपको शो करूंगी, काफ़ी अच्छा कैमरा का रिज़ल्ट है इसका। स्क्रीन भी इसकी काफ़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन भी नहीं ठीक रहती, तो ये नॉर्मल स्क्रीन है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें स्टिकर्स यूज़ किए थे, और मुझे तो कैमरे का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त लगा है। अगर आपको ओप्पो का मोबाइल पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।